हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 गैंगस्टर इन अहमदाबाद गुजरात के बारे में बताने वाले हैं। इन गैंगस्टरों में से कुछ गैंगस्टर को अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, तो वहीं कुछ गैंगस्टर अहमदाबाद पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार हैं, अहमदाबाद पुलिस उन गैंगस्टरों की तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है, तो आप हमें दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे, तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों को जुर्म की दुनिया से दूर रखने का है, आपको जुर्म करने से बचाने का है। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है अहमदाबाद के कुख्यात गैंगस्टर कालू गडन का। कालू गडन अहमदाबाद के जुहूपुरा का रहने वाला है। कालू गठन पर हत्या के प्रयास, अपहरण और जबरन वसूली के कई आपराधिक मामले दर्ज है। कालू गठन राजस्थान से अहमदाबाद के इलाकों में ड्रग्स सप्लाई करता है और 24 घंटे हथियारों से लैस रहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कालू गठन उर्फ मोहम्मद शरीफ ने अपने गुरु मुशीर कुरैशी को धमकी दी थी, जिससे क्षेत्र में गैंगवार होने की उम्मीद थी। इस कारण पुलिस ने जुलाई 2022 में उसके खिलाफ आपराधिक मामलों को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया था। इस खबर को सुनकर गार्डन राजस्थान में उदयपुर के पास गांव में चला गया था। आपको बता दें कि गार्डन और मुशीर पर RTI कार्यकर्ता सैयद की हत्या करने का मामला दर्ज है, जिसमें उन्हें सबूत के अभाव में बरी करना पड़ा। जोपुरा के निवासी कालू गार्डन ने अपने क्षेत्र में गोट लैंड फेंके और अपने गुरु मुशीर को धमकी दी, जिससे क्षेत्र के निवासी डरे हुए हैं। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी है, लेकिन यह पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है अहमदाबाद के कुख्यात गैंगस्टर सुल्तान खान पठान का। सुल्तान खान पठान अहमदाबाद के जुहूपुरा का रहने वाला है, जिस पर हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, लूट, पशु क्रूरता और बिजली चोरी व जमीन हड़पने के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका आतंक वेजलपुर, असलाली और सारखेज पुलिस स्टेशन के इलाकों में सक्रिय है। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं लग रहा था। GCTOC कानून की विभिन्न धाराओं के तहत अहमदाबाद शहर में गुरुवार को वेजलपुर पुलिस स्टेशन में सुल्तान खान पठान समेत उसके साथी सदस्यों पर FIR दर्ज की गई है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है अहमदाबाद के कुख्यात गैंगस्टर नजीर वोरा का। नजीर वोरा अहमदाबाद जिले के जुहूपुरा का रहने वाला है। इस पर हत्या के प्रयास, बिजली चोरी, जमीन हथियाने के 20 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। दोस्तों, आपको बता दें कि नजीर वोरा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके अवैध रूप से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बनाता था और उन्हें किराए पर चलाता था। उस पर बिजली चोरी का भी आरोप है, जबकि उसकी आपराधिक गतिविधियां काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। नजीर वोरा के कई IPS से अच्छे संबंध होने के कारण वह सरकारी कार्रवाई से बच गया था। पुलिस भी उसके खिलाफ कार्रवाई से डर रही थी। कुछ समय पहले वोरा ने जो अवैध निर्माण कर रखा था, उसे तोड़ दिया गया। उसके खिलाफ जमीन कब्जा अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू की गई। इसके बाद नजीर वोरा अपनी पत्नी के साथ लापता हो गए। पुलिस ने उनकी संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी बीच नजीर वोरा ने अपनी पत्नी के साथ कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है अहमदाबाद के कुख्यात गैंगस्टर विशाल गोस्वामी का। यह मूलतः मध्य प्रदेश के मुरैना का रहने वाला है। इस पर अहमदाबाद में 2 दर्जन से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, गोवा, अहमदाबाद में भी कई लोगों को धमकी देकर उनसे वसूली करने के भी 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस इसकी तलाश में लगातार जुटी हुई थी और अंततः वर्ष 2015 में क्राइम ब्रांच ने इसे मथुरा से गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि यह हत्या के प्रयास, लूट, डकैती जैसे कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि विशाल गोस्वामी पिछले कई सालों से अहमदाबाद के साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है, लेकिन जेल में बंद होने के बावजूद जनवरी 2020 में इस पर जेल के अंदर से व्यापारियों से रंगदारी वसूलने की साजिश का पर्दाफाश हुआ, जिसके बाद जब पुलिस ने इसके वार्ड की
तलाशी ली तो पुलिस को इसके पास से 23 मोबाइल और एक डायरी मिली जिसमें 60 व्यापारियों के नंबर थे। आपको बता दें कि जेल के अंदर से रंगदारी मांगने के लिए यह दाऊद और रवि पुजारी जैसे गैंगस्टरों का नाम इस्तेमाल करता था और यह जिन सिम कार्डों का प्रयोग करता था वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में खरीदे गए थे। इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है अहमदाबाद के कुख्यात गैंगस्टर गोवा रबारी का। गोवा रबारी अहमदाबाद के जसोदा नगर का निवासी है जिस पर हत्या के प्रयास अपहरण और जबरन वसूली के 15 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। आपको बता दें कि गोवा रबारी वर्ष 2000 से जेल में बंद है। कुछ समय पहले ही यह पैरोल पर आया था। इस दौरान ही इसने एक व्यापारी का अपहरण कर लिया और 1 करोड़ रुपये फिरौती की मांग की और व्यापारी करण भट्ट की 14 लाख रुपये की सोने की चैन छीन ली। इसके बाद उसके दोस्त रवि सामी ने 70 लाख रुपए देने का वादा किया जिसके बाद करण भट्ट को छोड़ दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि फिरौती की बाकी रकम के लिए रामी को गोवा राबारी के साथियों ने धमकाना शुरू किया जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस लगातार गोवा रबारी की तलाश में जुट गई। एक गुप्त सूचना पर पुलिस ने गोवा रबारी सहित उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में पहुंचा दिया है। दोस्तों इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है अहमदाबाद के कुख्यात गैंगस्टर हमजा अलम बालम खान का। यह अहमदाबाद के जमालपुर में न्यू म्यूनिसिपल स्टाफ क्वार्टर का रहने वाला है। इस पर जबरन वसूली और पुलिस पर हमला सहित 18 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। हमजा ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए अपना पहला अपराध तब किया जब वह 16 साल का था। तब उसने एक व्यक्ति को चाकू मार दिया था। हमजा कई गंभीर अपराधों में शामिल था। करीब 1 महीने पहले उसके 2 साथी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था तभी से वह फरार चल रहा था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। एक गुप्त सूचना पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में पेश किया जहां से इसे 7 दिन के पुलिस रिमांड पर दिया गया है। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है अहमदाबाद के कुख्यात गैंगस्टर अरविंद भीकू का। अरविंद भीकू मूलतः राजस्थान का रहने वाला है जो अहमदाबाद में सक्रिय है। इस पर हत्या के प्रयास डकैती और पुलिस पर गोलीबारी के 7 लूट के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज है। आपको बता दें कि जून 2018 की शाम को भीकू और उसके साथियों ने पुलिस अपराध शाखा अधिकारियों की एक टीम पर गोलीबारी की थी जिसके बाद काठवाड़ा में नीलकंठ अपार्टमेंट को पुलिस ने घेर लिया था जहां भीकू के साथी छुपे हुए थे। गिरोह ने पुलिस पर सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से फायरिंग की जबकि भीकू अपार्टमेंट की 3री मंजिल से कूदकर भाग गया था। पुलिस ने उसके 2 साथी सदस्यों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की। इस पूछताछ से मिली जानकारी के बाद से पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुट गई। एक सूचना पर पुलिस ने इसे राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। 3 महीने बाद उसने पुलिस को चकमा देकर वह फरार हो गया। पुलिस एक बार फिर इसकी तलाश में लगी है। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है अहमदाबाद के कुख्यात गैंगस्टर महबूब सीनियर का। इस पर हत्या के प्रयास ड्रग्स तस्करी और दंगा भड़काने के दर्जनों मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2002 में गोधरा दंगों की जांच कर रही SIT के समक्ष नरोदा पटिया दंगा मामले में गवाही नहीं देने के लिए कार्यकर्ता नदीम सैयद को धमकी दी गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि नवंबर में जूपुरा चौराहे पर सैयद की हत्या कर दी गई थी। नरोदा पाटिया मामले के एक आरोपी का मोबाइल फोन जो सैयद की हत्या के समय वहीं रह गया था वह हत्या में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया। पुलिस लगातार महबूब की तलाश में जुटी हुई थी। 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने महबूब सीनियर को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है अहमदाबाद के कुख्यात गैंगस्टर अब्दुल वहाब का। 90 के दशक में आतंक पर राज करने वाले अहमदाबाद के गैंगस्टर अब्दुल वहाब पर हत्या के प्रयास अपहरण फिरौती रंगदारी के कुल 33 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि वर्ष 1993-94 में भगवान दास सिंधी की इसने गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी थी क्योंकि इसने लतीफ से
शराब लेने से मना कर दिया था। यह हत्या अब्दुल लतीफ के कहने पर की गई थी। इस हत्या के बाद अब्दुल वहाब का कद और बढ़ गया। सिंधी की हत्या के अलावा वहाब ने कम से कम 11 हत्याएं और की थी। सिंधी की हत्या में मामले में इसे 14 वर्ष की जेल हो गई थी। अब्दुल वहाब पर फिरौती के लिए वेद प्रकाश, चिरीपाल, बाबूलाल जैन, जयेंद्र त्रिपाठी सहित कई धनी व्यापारियों का प्रण भी किया गया था। 14 वर्ष बाद जब यह जेल से रिहा होने के बाद भी वह अन्य अपराधों में जेल में रहा। जेल से छूटने के बाद अब्दुल वहाब ने रियल इस्टेट कारोबार में प्रवेश किया। अपने पूर्व सहयोगी नजीर वोरा के साथ एक संपत्ति के विवाद के बाद वहाब को वोरा पर गोली चलाने के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। सबूतों के अभाव में अदालत ने इसे सभी अपराधों में बरी कर दिया है। दोस्तों, इसके बाद इस लिस्ट में नंबर एक पर नाम आता है अहमदाबाद के कुख्यात गैंगस्टर अब्दुल लतीफ का। इसका जन्म अहमदाबाद के दरियापुर गांव में हुआ था। शुरुआती दिनों में इसके परिवार की स्थिति सही नहीं थी, इसलिए इसे छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। 80 के दशक में ही इसने शराब बेचने का धंधा शुरू कर दिया और इसी साथ इसने जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया। देखते ही देखते यह अवैध शराब के धंधे का किंग बन गया। इसने शहर के बदमाशों को अपने गैंग में मिला लिया और उसके बाद यह हथियारों की तस्करी भी करने लगा। देखते ही देखते इस पर हत्या के प्रयास और अपहरण के 100 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हो गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि शहर के मुस्लिम इलाके के लोग अब्दुल लतीफ को मसीहा मानते थे। कहा जाता है कि वह गरीबों की बहुत मदद भी करता था, इसी वजह से उसे काफ़ी राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा था। वर्ष 1985 में जेल में बंद रहते हुए 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। उसकी जीत से बड़े बड़े नेता घबरा गए थे। वर्ष 1995 में इसे दिल्ली से गिरफ्तार करने के बाद साबरमती जेल में रखा गया था। नवंबर 1997 में इसने एक बार भागने की कोशिश की और इसी दौरान अहमदाबाद पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में यह मारा गया था। दोस्तों, ये थे अहमदाबाद के टॉप 10 गैंगस्टर इन अहमदाबाद गुजरात। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।